आप देख रहे हैं सियासत। ओलंपिक से लेकर तमाम बड़े कंपटीशन में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कारण है ब्रजभूषण शरण सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत, जिसमें आज हम जानेंगे बाहुबली छवि वाले ब्रजभूषण की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ नया अखाड़ा बन गया है। इसके केंद्र में है महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और देश के करीब 30 नामी पहलवान। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने ब्रजभूषण और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा या विवादों में हो। इससे पहले वे मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ जड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर राज ठाकरे के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। ब्रजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है और वे केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद है। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सिर्फ राजनीति का माहिर खिलाड़ी ही नहीं माना जाता, बल्कि कुश्ती पहलवानी भी उनका शौक रहा है। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। वहीं ब्रजभूषण यूपी के गोड़ा जिले के बिश्नोआ गांव के रहने वाले हैं। बचपन और युवावस्था में उन्होंने कुश्ती में खूब हाथ आजमाया। इसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में छात्र राजनीति की शुरुआत की। वे 1988 में बीजेपी में शामिल हुए। जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ तो उनकी उग्र हिंदुत्व की छवि ने उन्हें क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया। ब्रजभूषण अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। दरअसल आडवाणी समेत जिन 40 नेताओं पर आरोप तय किए गए थे, ब्रजभूषण शरण सिंह उनमें से एक थे, जिन्हें 2020 में बरी कर दिया गया। ब्रजभूषण पहली बार 1991 में चुनाव लड़े थे। उसके बाद राजनीतिक रूप से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज सीट से जीत दर्ज की। उसके बाद फिर सपा से भी उनकी राहें अलग हो गई। 2014 चुनाव से पहले ब्रजभूषण फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 और 2019 में वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। तो यह थी ब्रजभूषण शरण सिंह की कहानी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं सियासत।